हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक D10 फेस मास्क। ये फेस मास्क बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, ये साथ ही साथ आपकी चेहरे के दाग धब्बों को भी दूर करेगा और आपकी स्किन में जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि समर्स आ चुके हैं और समर्स में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब भी आप घड़ी पहनते हैं तो आपके यहाँ पर स्ट्रिप्स के निशान रह जाते हैं, या फिर अगर आप जैसे सैंडल डालते हैं तो सैंडल के भी निशान आपके पैरों पर रह जाते हैं। तो ये D10 मास्क इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। और मैंने इस D10 मास्क के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं सभी आपको आपके किचन में इजिली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपके पास, मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी देना चाहूंगी, अगर इस मास्क को तैयार करने के लिए अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें बादाम तेल की भी 2 से 4 ड्रॉप जो है डाल सकते हैं। तो इस D10 फेस मास्क को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन ले लीजिए। अगर आपने इसे अपने पूरी बॉडी पर लगाना है तो आप बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और साथ में मैं यहां पर ले रही हूं 1/2 लेमन, इसे अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए। और साथ में मैं इसमें ले रही हूं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने ये एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। और आपने इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रखना है कि जिससे आप इसे अपने इजिली फेस पर अप्लाई कर सकें। और फ्रेंड्स, ये जो फेस मास्क है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए है और इस फेस मास्क को आप हफ्ते में 1 या 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। बेसन में एंटी माइक्रोबायल होता है जो कि हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी त्वचा की रंगत को निखारता है, हमारी त्वचा की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। बेसन एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का भी काम करता है जो कि हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। अभी कालापन होता है यानी कि धूप में अगर हमें टैन हो गया तो उसे ये रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए आप बेसन का जो भी मास्क आपको पता हो आप डेली अप्लाई कर लीजिए, आपकी स्किन में आप बहुत ही अच्छा एक फर्क भी देखेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें लेमन ऐड किया है। लेमन में विटामिन सी होता है जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे दाग धब्बों को भी दूर करने में हेल्प करता है। लेमन एंटी एजिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेमन टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है टैन को रिमूव करने के लिए। और ऑलिव ऑयल के न्यूट्रिशन त्वचा को सेहतमंद बनाए रखने में हेल्प करते हैं और ये आपकी स्किन पर दाग धब्बे मुहासे वगैरह हैं तो उसे भी ये दूर करने में हेल्प करता है। और आप इसे 10 से 12 मिनट तक लगा के रखिए, जब भी अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए, पैक सूख चुका है अच्छे से, मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और बहुत ही अच्छा एक ग्लो आया है स्किन में, आप देख सकते हैं और कितनी शाइन कर रही है मेरी स्किन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मेरी स्किन पर ये फेस मास्क इस्तेमाल कर, और नेचुरल ग्लो भी आपकी स्किन पर लाता है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, प्लीज इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का D10 फेस मास्क। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो आपको, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।